21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक का जो करंट अफेयर्स है वो आज हम करेंगे। लगभग 30-35 सवाल हैं इसके अंदर, फटाफट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंडर विच एक्ट द मिनट्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग आर रिलीज्ड। अब सवाल क्या है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मौद्रिक नीति होती है, ठीक है, पहले तो ये समझना जरूरी है कि मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल पॉलिसी कौन कौन बनाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है फाइनेंशियल पॉलिसी, और जो आरबीआई है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, पैसे के लेन देन, पैसा कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, क्या होगा मार्केट में, ऐसा होगा, तो उसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। मनी से मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मौद्रिक से मुद्रा, ठीक है। तो इसमें किस अधिनियम के तहत जो एक मीटिंग हुई थी, वो किस रूल के तहत हुई थी, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है। आरबीआई का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है, उसके तहत ये मीटिंग करा दी गई थी। ये क्वेश्चन खैर वैसा उतना नहीं है कि आपको पूछ लिया जाए, लेकिन इसको इसलिए डाला गया है कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल पॉलिसी कौन बनाता है इसके बारे में जानकारी मिल सके। साथ में एक चीज और जानिए कि जो 1934 लिखा हुआ है, तो आरबीआई हमारा 1935 में फॉर्म हुआ था, 1935 में फॉर्म हुआ था, और कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर की जो थीसिस थी द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, उसके बिहाफ पर यह आरबीआई फॉर्म किया गया था, ठीक है। आर्टेमिस 3 कहते हैं इज द क्रूड मून लैंडिंग मिशन ऑफ विच कंट्री। एक मून मिशन हो रहा है, मून मिशन क्या हो रहा है कि मून पर क्रू मेंबर जाएंगे, ठीक है, और 1968 अपोलो के बाद दोबारा ट्राई किया जा रहा है। लगभग 12 लोग ऑलरेडी मून पर जा चुके हैं, एक समय में जब कोल्ड वॉर चल रहा था, ये कोशिश की जा रही थी कि कौन जो है पहले मून पर जाएगा, रशियन जाएंगे कि अमेरिकन जाएंगे। तो यूरी गैगरिन के रूप में जैसे ही रशिया जो है पहला बंदा भेज देते हैं अंतरिक्ष में, तो अमेरिका वाले बिल्कुल सकपा जाते हैं, उनको लगता है कि हम कोल्ड वॉर में हार जाएंगे, अंतरिक्ष की रेस में हार जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके वो कोशिश करते हैं कि मून पर जाकर लैंड करें। लगभग 12 लोग जो है अभी तक अमेरिका की तरफ से जा चुके हैं, कुछ हादसे भी हुए हैं, लेकिन 12 लोगों ने किया है। नील आर्मस्ट्रांग उससे पहले इंसान थे, रशिया कभी जा नहीं पाया। बहुत सारा पैसा अमेरिका का इस मिशन में लगा, और एक वक्त के बाद 3-4 साल के बाद जब लगातार 12 गए और देखा कि रशिया जो है वो नहीं कुछ कर पा रहा है, तो अर्ली 70s में फिर अमेरिका ने ये प्लान ड्रॉप कर दिया। अब 50 साल के बाद फिर से मून मिशन किया जा रहा है, ठीक है, और उसके लिए एक क्रू मेंबर है जिसका नाम, इसका इस प्रोजेक्ट का नाम है आर्टेमिस 3 है, ठीक है, जो कि अमेरिका का है ये, और इसमें 3 लोग जाएंगे, एक महिला है, एक ब्लैक है और एक वाइट है। तो पहली बार एक महिला जो है वो मून मिशन में जा रही है, ठीक है। विच कंपनी हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप्ड आरटीपीसीआर किट फॉर टेस्टिंग मंकी पॉक्स डिजीज। अब मंकी पॉक्स जो डिजीज है वो देखो कि आप इस तरह के दाने निकल आते हैं, ठीक है, आजकल केरल वेरल में बहुत ज्यादा मंकी पॉक्स आया। जितना ज्यादा जानवरों से इंटरेक्शन होगा इंसानों का, उतना ज्यादा जानवरों वाली बीमारी भी मिल जाएगी, ठीक है। तो मंकी पॉक्स उसी का नाम है, पहले मंकी में पाया गया उसके बाद किया गया, ठीक है। तो पहले ये जो आरटीपीसीआई जो आरटीपीसीआर जो किट है वो आपका ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स ने इसको बनाया है, जिससे कि हम ये पता लगा सके कि मंकी पॉक्स है कि नहीं है, ठीक है। तो कोरोना के बाद ये मंकी पॉक्स जो है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, और ये भी जानवरों से इंसानों में ट्रांसफर होता है, ठीक है। आरटीपीसीआर हमने कोरोना के टाइम पे बहुत नाम सुना आरटीपीसीआर, तो ये मंकी पॉक्स को देखने के लिए, तो ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स ने इसकी किट तैयार की है, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ पिच ब्लैक एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज। एक हमेशा मैंने कहा कि मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत होती है, चाहे वो आर्मी की हो, नेवी की हो, एयरफोर्स की हो, तो वैसे पिच ब्लैक एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। तो ये कौन सा देश करा रहा है ये, ठीक है, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ये आपका होगा, और इसमें अच्छा पिच ब्लैक जो है वो 2022 में ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। कई कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे कंट्री जो 17 कंट्री जो हैं इससे पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें इंडिया भी है, जर्मनी है, फ्रांस है, कनाडा है, जापान है, यूएई है, यूएस है, यूके हैं, सब मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें इंडिया की तरफ से आपका देखो सुखोई 30 MKI, ठीक है, और C-17 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट जो है वो कर रहा है। तो कभी कभी एक बार सवाल पूछा गया था, उन्होंने पूछ लिया कि भाई एक कोई मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया में हुई थी, तो उसके
अंदर कौन सा एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हुआ वो पूछ लिया गया था। तो होता क्या कि अमूमन हम सोचते हैं कि मिलिट्री एक्सरसाइज का मैच द फॉलोइंग वाला सवाल आएगा, कर लेंगे, लेकिन जब आपको सरप्राइज करने की बात आती है तो सरप्राइज कर देते हैं, बोला कि बताओ यार फला जहाज कहाँ इस्तेमाल हुआ था वो। ठीक, तो ध्यान रखना है कि अगर कुछ यूनिकनेस है, जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, C-17 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हुआ है, तो अगर ये पूछ लेगा कि कहाँ पर हुआ है, क्योंकि हर मिलिट्री एक्सरसाइज में नहीं होता है इस्तेमाल वो, तो ऐसे एक्सरसाइज जहाँ पर कुछ यूनिकनेस हो गया है, यूनिक चीज इस्तेमाल कर ली गई है, ठीक है, तो उस पर जरूर ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, हु हैज इनॉग्रेटेड अ 2-डे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कॉन्फ्रेंस 2022 इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बनाई गई है, उद्घाटन किया इसे किसने किया है, तो इसको किया है वो है आपके अमित शाह जी ने। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कॉन्फ्रेंस 2022 जो है दिल्ली में हुई है, और उसका होम मिनिस्टर जो है वो अमित शाह ने इसको इनॉग्रेट किया हुआ इसके अंदर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेटेड राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर कैट। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये चीज जो है वो कहां पर हुई है, तो आपको देखने आ रहा है राजीव गांधी का नाम इस्तेमाल है, तो ऐसी जगह पे होगा जहां कांग्रेस से होगी, और कांग्रेस जो है इस समय फिलहाल बहुत कम जगह पर है, और इसका आंसर है राजस्थान के अंदर। तो जो है आपके अशोक गहलोत, हाँ, इन्होंने इस चीज को स्टार्ट किया है। इसमें क्या है, AI साइबर सिक्योरिटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। AI क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा डिमांड में है, अब ये सब ऐसे फ्यूचर के ऐसे फील्ड है जहां पर बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट होंगी, और दुनिया जो है वो उस लेवल पहुंच रही है, खेती से शुरू करते हुए और जानवरों को हंटिंग और गैदरिंग से करते हुए AI तक पहुंच गई है। अब AI का अगर यूज ढंग से कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मिसयूज करते हैं तो फिर मिसयूज होगा, तो फिर मिसयूज क्या कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, इन ए फर्स्ट विच बैंक हैज ओपन इट्स ऑल वुमेन ब्रांच इन कोझिकोड नियर नॉर्थ केरला। एक कोझिकोड कहां पर है, केरला में, केरला में ऑल वुमेन बैंक बनाए। ऑल वुमेन बैंक का मतलब होता है कि उस ब्रांच में सभी महिलाएं हैं, इसके अंदर लगभग 4 महिलाओं का एक ब्रांच बना है जो कि HDFC ने खोला है। ठीक है, तो हमने बंधन बैंक देखा था, तो अभी HDFC बैंक आया है, ये प्राइवेट बैंकों में है जिन्होंने 4 सदस्य बैंक है खोला है। अब इसके अंदर वुमेन्स को आगे बढ़ाने के लिए कि वुमेन ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा हो, ये किया गया है। अब क्या लगता है कि इस चीज से हो सकता है, ये अच्छा रास्ता है, बढ़िया रास्ता है, क्या है ये ऐसे इनिशिएटिव, आपको क्या लगता है? इमेज अच्छी बनेगी, वो एक मैसेज आएगा, लेकिन कोई उतना इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि ठीक है, एक सिंबोलिज्म, ठीक है, सिंबोलिक तरह से हमने महिलाओं को आगे करने के लिए कर दिया कि ऑल वुमेन बैंक बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ इससे फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, बल्कि इससे बेहतर ये होता है कि हम बैंकों के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए और ध्यान देते, उनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते, वो उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते। ठीक है, जहां पर वो अपना पोटेंशियल दिखा पाती, तो औरतों को अलग कर देना कोई सोल्यूशन नहीं है। अब बैंकों में ज्यादा जाते नहीं है, ठीक है, जो अभी जाए भी तो फिर लेडीज ही ज्यादा दिखती है। हाँ, अब तो स्पेशल बनाने का कोई, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट तो वैसे जितने भी बैंक हैं, मैं बहुत ज्यादा इसके सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि इससे ना बहुत, क्योंकि जिससे पहले जो एक्सपेरिमेंट हुए बंधन ने किए, सब कुछ किए, तो वो महिला बैंक हुआ था, ठीक है, महिला, तो वो फ्लॉप हो गए वो, क्योंकि बिजनेस की तरह चलता है, पहली बात समझिए, आप सोशल वर्क नहीं कर रहे, बिजनेस है वो बिजनेस में चलेगा, उसके अपने रूल्स रेगुलेशन है, तो इस ब्रांच को प्रॉफिट में लाने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो लगने पड़ेंगे, और वो जरूरी नहीं है कि महिला ही उसको पूरा कर पा रही, पहली बात समझिए, देखिए, ठीक है, और 4 महिलाओं का बैंक में हो जाने से कोई महिलाओं में क्रांति नहीं आ रही, दूसरी बात, मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है, सिंबॉलिक ठीक है, सिंबॉलिक आपने कर लिया, बहुत अच्छा लगा, ताली बजा दिया आपने, बट क्या सचमुच परिवर्तन आया? इससे बेहतर यह नहीं था कि आप बैंकों में ऐसे कानून बनाए जिससे कि औरतों को टाइमली प्रमोशन मिल सके, या उनको अगर जो मैटरनिटी लीव लेती हैं, प्राइवेट बैंक है ना ये, अगर वो उनके अगर
फैमिली बढ़ती है तो उस समय उनको केयर ज़्यादा किया जाए, उनको ज़्यादा सहूलियत दी जाए जिससे कि वो नौकरी ना छोड़ें, ड्रॉप आउट ना कर पाएं, उनको टॉप लेवल पर ज़्यादा पहुँचने की मतलब पहुँचाया जाए। आप बेसिक लेवल पर ब्रांच के एग्जीक्यूटिव लेवल पर तो आप महिलाओं को भर रहे हो कि फेस ऑफ बैंक हो जाएगा, वो कोई मिलने आएगा तो औरतों को देखेगा तो वो थोड़ा सा अच्छा महसूस करेगा, यही तो होता है ना। लेकिन जब डिसीजन मेकिंग की बारी आती है टॉप लेवल पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, वहाँ कोई महिलाएं नहीं है। तो आपने एक एक कठपुतली की तरह तो बिठा दिया औरतों को, लेकिन जब रियल डिसीजन मेकिंग की बारी आ रही है तो वहां पर आप उनको पावर नहीं दे रहे हो, इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो। तो व्यक्तिगत रूप में मेरा करंट अफेयर्स के रूप में मैंने आपको बता दिया, लेकिन व्यक्तिगत रूप में मेरा मैं बहुत ज्यादा इस बात को मुझे लगता है कि बिजनेस के लिए बहुत सही नहीं, लेकिन ठीक है करंट अफेयर्स पढ़ लो एग्जाम के लिए, ठीक है। अब चूंकि आप सिविल सर्विसेज में दे रहे हो तो मैं तो आपको हर चीज बताऊंगा, जैसे कि सेम जोड़ देते हैं। गांधी जी ने बोला कि दलितों को हम दलित नहीं बोलेंगे, हरिजन बोलेंगे। अंबेडकर बोलते यार ये क्या मतलब है, आप फिर डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, ठीक है। आप उनको दूसरे नाम से पुकार रहे हो, तीसरे नाम से पुकार रहे हो, हरिजन पुकार रहे हो, खराब पुकार रहे हो, ऐसे क्या आप ये क्यों नहीं बोलते सर अगर वो हरिजन है तो बाकी लोग क्या शैतान जन है क्या, अगर जो दलित हैं वो भगवान के बनाए बच्चे हैं तो बाकी क्या शैतान के बनाए बच्चे हैं। तो आप डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हो, आप ये क्यों नहीं कहते कि सब एक जैसे हैं, उससे ज्यादा परिवर्तन आएगा कि नाम कह देने से कुछ आ जाएगा, मतलब समझे ना। सेम चीज यही है यहां पर भी है, अलग क्यों कर रहे हो आप, इनको इन्वॉल्व करो ना, इंक्लूसिव करो ना सबको, अलग क्यों, अगर उनको कुछ देना है तो इसी में बढ़ावा दो। अलग कर देने से क्या होता है कि हाँ भैया हमने महिलाओं के लिए बहुत काम किया, हमने एक बैंक बना एक ब्रांच बना दी, चार लोगों को बिठा दिया लड़कियों को, अब उससे बिजनेस आ रहा है नहीं आ रहा है, वो कुछ कर पा रही है नहीं कर पा रही है, कोई नहीं है। लेकिन हाँ भैया HDFC ने झंडा उठा लिया कि हाँ भैया हमने महिलाओं का जो है बहुत किया। तो ये सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू, ये इसलिए मैंने बोला कि आपको एक डायमेंशन मिल सके सोचने का। आप वन डे एग्जाम नहीं पढ़ रहे हो कि वहां पर ये क्वेश्चन आ जाए, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको और एक महिलाओं, क्योंकि महिलाओं के सवाल आते ही हैं मेंस में, तो आप लोग सोच सको इस चीज के बारे में, ठीक है। चलिए, विच कंपनी हैज बिकम इंडियास 106th यूनिकॉर्न आफ्टर रेजिंग 33.5 मिलियन इन अ फंडिंग राउंड। 106 नंबर पे बोला है मैंने, 106 यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है, यूनिकॉर्न एक ऐसा जानवर जिसके सिर के ऊपर सींग निकली हुई है, लेकिन ये हाइपोथेटिकल जानवर है, लेजेंड्स के अंदर है, कहानियों किस्सों के अंदर है, सच्चाई में नहीं है। तो कहते हैं यूनिकॉर्न है, मतलब यूनिकॉर्न देखना अपने आप एक वाली बात होती है। तो यहां पर जो नाम इस्तेमाल किया गया यूनिकॉर्न, उसका मतलब है कि ऐसी कंपनी जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन होता है। मैं कितने बार बताया आपको ये $1 बिलियन वैल्यूएशन, तो हर कंपनी जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन है उसको यूनिकॉर्न कहते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसी कंपनी जो आपको सरप्राइज कर दे। इंडिया में 106 यूनिकॉर्न हो चुके हैं, पैसा मार्केट से उठा उठा के, प्रॉफिट में नहीं है ये लोग, पैसा लिया है, फंडिंग है, और 106 में से लगभग 95 प्लस कंपनियां यूनिकॉर्न लॉस मेकिंग है, पैसा मिल गया है अभी प्रॉफिट जनरेट नहीं किया, इंक्लूडिंग आपका फिजिक्स वाला पैसा मिल गया है, अनअकैडमी फिजिक्स वाला बायजूस पैसा मिल गया है, पैसा कमाया नहीं है, इसलिए दिक्कत आ रही है, ठीक है। लेकिन यहां सवाल क्या है, 106 जो है वो आपका है शिप रॉकेट, ठीक है, शिप रॉकेट कंपनी है जो कि आपका जो सामान वामान जो पहुंचाती है उसके लिए बनाया गया है। तो फिजिक्स वाला 101 था या 100 था, ठीक है, फिजिक्स वाला ऑलरेडी बन चुका, 6 महीने हो चुके हैं बने हुए, ठीक है, 4 महीने 5 महीने। लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी कंपनी है ये, ठीक है। पैसा होता है लोगों, लेकिन ये ना मार्केट का पैसा बहुत ज़्यादा जब लग जाता है ना ऐसी कंपनियों के अंदर, तो ये समझना पड़ेगा ये यूनिकॉर्न अच्छे बहुत हैं, ठीक है, ये इंडिया की प्राउड फील कर रहे हैं, लेकिन इंडिया का इकोसिस्टम ऐसा होना चाहिए कि ये कंपनियां सर्वाइव करें, सस्टेन कर पाएं। फायदा कुछ नहीं है यार, दो पैसा आया, 2 महीने में आपने पैसा फूंक दिया, बर्बाद होकर चले गए, तो जो बेचारा पैसा दे रहा है वो जो मालिक वो है तो उसको भी नुकसान है। खैर वो लोग तो बेयर कर लेंगे क्योंकि वो तो उस माइंडसेट से काम ही करते हैं, ठीक है। लेकिन जो जॉब कर रहे हैं, अभी कोरोना के टाइम पर एडुटेक कंपनीज बहुत पॉपुलर हुई, जिसमें आपका अनअकैडमी बायजूस थे और भी बहुत सारे अलग अलग थी, तो बड़े नाम ले लिए मैंने। कोरोना जैसे खत्म हुआ तो पता लगा कि अब उनको ऑनलाइन इतना मिल नहीं पा रहे हैं, अब आपने उधारी तो मांग ली है, उधारी तो ले ली है आपने, लेकिन उधारी लेने से क्या होता है कि आपको रिटर्न भी तो करने हैं ना भाई, आप बन गए यूनिकॉर्न तो उस हिसाब से पैसा भी जनरेट करो पहले, वो जनरेट होता नहीं है।
फिर क्या होता है कि आप अपने जितने इंप्लॉयज हैं उनको हायर एंड फायर करते रहते हो। अभी वेदांतु के साथ ये हुआ था कि लगभग 300 लोगों को बाहर कर दिया, ठीक है। जोमेटो के साथ यही हो रहा है, पेटीएम बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है, ये सब यूनिकॉर्न रहे हैं, लॉस में नहीं बिल्कुल सड़क पे आ गया वो, पेटीएम के साथ ये है, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा कि यार क्या प्लेटफॉर्म अच्छा है। पता है टेक्नोलॉजीज जो होती है ना वो बहुत ज्यादा चेंज होती हैं, समझो बहुत तेजी से। अब बायजूस बहुत अच्छा है, एन अकेडमी बहुत अच्छा है, फिजिक्स वाला भी बहुत अच्छा है, मान लेते बहुत अच्छे से, बहुत सब बहुत अच्छा है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, जब आप ऐसा काम करते हो जो कि बहुत इजीली रेप्लीकेट हो जाए, बहुत आसानी से कॉपी हो जाए, तो फिर दिक्कत आ जाती है। पेटीएम बना, पेटीएम के बाद भारत पे, गूगल पे, फोन पे, तो जो यूएसपी वो कहाँ क्रिएट हो पाई, नहीं हो पाई ना क्रिएट। तो लोग पेटीएम करना चाह भी रहे तो उनके पास 50 ऑप्शन और भी हैं, वो भारत पे कर देते हैं, वो फोन पे कर देते हैं, गूगल, अब तो बाकी छोड़ो तो अब तो मोबाइल ऐप के माध्यम से इसे ट्रांसफर होता है। तो जो ये पेटीएम का जो यूएसपी वो खत्म हो गई, कुछ ऐसी यूनिक चीज क्रिएट उन्हें कोशिश की है, कुछ लोन वोन देने की और उस तरह से कर रहे हैं। अब जैसे कि शार्क टैंक इंडिया में जज बैठता है वो अश्नीर ग्रोवर, अगर आप शार्क टैंक इंडिया देखा होगे तो एक जज है अश्नीर ग्रोवर, और उन्होंने भारत पे बनाया। अब भारत पे बनाने के बाद वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे, हर आदमी जब आएगा दूंगा अपना अलग ही स्वैग रहता है अश्नीर ग्रोवर का, पता लगा भारत पे कुछ नहीं करती, वो खाली मनी ट्रांसफर करती है सर। अब पेटीएम की जो हालत है वो भारत की वही हालत हो गई है। अब उसके बाद क्या हुआ कि आपने फ्रॉड करना शुरू किया, आप कंपनी आपकी खुद की बट्टा बैठ गया कंपनी का। तो यार देखना यह कि बिजनेस सस्टेनेबल होना चाहिए, पैसा मार्केट में आ तो रहा है बट अगर वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है तो क्या दिक्कत। तो ऐसे बिजनेस हो जो रेप्लीकेट आसानी से ना हो पाए, भाई छोटे बिजनेस होते हैं तो चलो लेकिन उसमें इतनी उधारी नहीं होती ना, इतना बर्डन लेकर नहीं आते हैं, $1 बिलियन का पैसा नहीं आता है। अब लोग कहते हैं फिजिक्स वाला को, मैंने वीडियो बनाया था उसके ऊपर, तो यही मैंने कहा था कि भाई फिजिक्स वाला की कोई यूएसपी नहीं है, सर बड़े अच्छे हैं, ये कोई यूएसपी नहीं होती है, ये कोई यूएसपी नहीं है। यूएसपी तब है कि जब आपके तब आपने बर्डन ना लिया, $1 बिलियन पैसा ना लिया हो, तब आप जो भी कमाओगे वो आपकी प्रॉफिट है। आपको पहले $1 बिलियन तो पहले आपको लौटाने पड़ेंगे भाई, उसके बाद आप गिनती गिनो कि आपको पैसा है कि नहीं है। और प्रॉब्लम क्या कि रेप्लीकेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, ऑनलाइन बिजनेस बड़ा रेप्लीकेट हो रहा है, और हो क्या रहा है जितने ये एडुटेक है, चाहे बायजूस हो, चाहे एन अकेडमी हो, चाहे फिजिक्स वाला हो, जो भी, इनके टीचर्स इनके कंप्यूटर बन जाते हैं, वो कैमरा लगा खुद ही रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। यही हालत एग्जामपुर की, यही हालत वाईफाई स्टडीज की, सबकी हो रही है। तो ये एक ऐसा दौर है जहां पर चीजें बहुत जल्दी रेप्लीकेट है। बिजनेस वही सर्वाइव करेगा जो सही बिजनेस एथिक्स को, मॉडल्स को लेकर चलेगा, सस्टेनेबल मॉडल को लेकर चलेगा। सिर्फ पैसा आ जाने से, यूनिकॉर्न बन जाने से गारंटी नहीं है कि अब अगले 5 साल बाद भी होगा। आज क्या पेटीएम के बाद विदिन 5 ईयर्स पेटीएम खत्म हो गया, हो सकता है विदिन 3 ईयर्स आपको एग्जाम फिजिक्स वाला भी दिखाई ना दे। सच्चाई है, बायजूस ने $1 बिलियन से पैसा देकर खरीदा आकाश अकेडमी को, पैसा नहीं वापस कर पा रहा है, दे नहीं पा रहा है $1 बिलियन। अन अकेडमी बनी कि हम सारे सबको प्लेटफॉर्म पर ले आएंगे, ऑनलाइन में फ्लॉप हो गए, ऑफलाइन खोलनी पड़ रही कुछ। तो आज जो ऐसा नहीं कि 2-3 साल आपने बड़े चमके, चमकने से कुछ नहीं होता, सस्टेनेबल मॉडल को। होम ट्यूशन पे आ गए, ऑफलाइन पे आ गए, अब आपको कॉम्पिटिशन, उसके बाद आप गलत बिजनेस एथिक्स देते हो टीचर को, स्टूडेंट को, पेरेंट्स को टॉर्चर करते हो। पहले बोलते हो कि पैसा अगर पसंद नहीं आएगा पैसा वापस कर देंगे, उसके बाद फिर जब मजा नहीं आता तो आप वापस नहीं कर पाते हो। तो ये सब चीजें हैं, चलो खैर लंबी कहानी है सब जो भी। हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द WSPS शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 इन चेंगवॉन साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में ना कुछ लोगों ने हमारे भाई गोल्ड मेडल जीते शूटिंग के अंदर, निशानेबाजी के अंदर, ठीक है। अभिनव बिंदा खत्म हो चुका है, पैरा ओलंपियन है राहुल झाकर, ठीक है। राहुल झाकर ने ये गोल्ड मेडल जीता है शूटिंग, पैरा स्पोर्ट्स हुआ, पैरा मतलब जो दिव्यांग लोग होते हैं उनका, ठीक है। तो उसमें साउथ कोरिया में हुआ था चेंगवॉन, वहां पर हुआ है पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, कहां हुआ साउथ कोरिया में, जिसमें राहुल झाकर जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, याद रखना बस, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विचरी। जो हाइड्रोजन
हाइड्रोजन गैस से चलने वाली बस सेवा वो किसने इनोग्रेट की है, कहाँ हुई है पहले बात? वो हुई है पुणे में, पुणे में हुई है, ठीक है, जितेंद्र सिंह जी हैं, ठीक है, आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने किया है पुणे के अंदर। ये हाइड्रोजन जो है वो क्लीन फ्यूल है, हाइड्रोजन क्लीन फ्यूल है। अभी हमने सीएनजी का इस्तेमाल करके देखा, ठीक है, कुछ लोग एलपीजी का इस्तेमाल कर लेते थे, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन गैस चलेगी तो जीरो एमिशन होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कुछ नहीं है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कुछ नहीं होगा, आपके वातावरण में कुछ दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या होती है कि हाइड्रोजन को थोड़ा सा कैरी करना रिस्की रहता है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम करते चले आ रहे थे कुछ सालों से कि हाइड्रोजन में नो डाउट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं, बट पोटेंशियल होना और उसको आम इंसान ढंग से इस्तेमाल कर ले जाए बिना कोई, क्योंकि आम इस्तेमाल आम इंसान टेक्निकल सेवी नहीं होता, उसको नहीं पता कि ये सिलेंडर लगा देने से वो पता गलत लगा दिया फट गया, वो बम बन गया। तो ऐसे टेक्नोलॉजी को भी डेवलप कर जाना कि एक आम अनपढ़ इंसान भी उसको यूज कर ले जाए और बम ब्लास्ट ना कर दे। हाइड्रोजन के बारे में एज अ फ्यूल हमें पता था बहुत सालों से, लेकिन उस फ्यूल को सही तरीके से इस्तेमाल आम पब्लिक के लिए तो एक्सपेरिमेंट करते करते अब लेवल आ गया कि जहां पर हाइड्रोजन बस हम चला पा रहे हैं। और फ्यूचर में आप देखोगे अगले 10 साल के बाद आपको सालों के कोई भी पेट्रोल और डीजल गाड़ी नहीं मिलेगी, या तो आपको इलेक्ट्रिक कार मिलेंगी या तो आपको इस तरह से हाइड्रोजन वाइड्रोजन वाली गाड़ियां मिलेंगी आपको, जो कि सही भी है। अब उसके बड़े इम्प्लीकेशन हैं। पहला इम्प्लीकेशन क्या है? पहला बेनिफिट या प्रभाव, पर पहला प्रभाव यह है कि हो सकता है अगले 10 साल के बाद आपको टोयोटा होंडा मारुति ऐसी गाड़ियां ना दिखाई, कंपनी दिखाई ना दें, हो सकता है, यू नेवर नो, हुंडई ऐसे कोई ध्यान रखती, क्योंकि आजकल जो पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए होती है उसको रेप्लीकेट करना सबके बस की बात नहीं है। टोयोटा का इंजन होंडा का इंजन उसको रेप्लीकेट करना किसी नई कंपनी के लिए आसान काम नहीं है। रेप्लीकेशन की बात की ना मैंने अभी भाई कि मेरे पास पैसा है मैं यूनिकॉर्न बन गया और मैं बोलूँ कि रातों रात बैठकर मैं होंडा का इंजन बना दूँ, नहीं बनता है। और यही चीज़ उन कंपनीज को, इन कार कंपनीज को एडवांटेज देती हैं जो इतने सालों से चले आ रहे हैं, ठीक है, उनका नेटवर्क है, उनकी टेक्नोलॉजी है, उन्होंने जो सीखा है बनाया है, ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक कार में दिक्कत क्या है कि इलेक्ट्रिक कार में इतना तामझाम होता नहीं है। बैटरी का ऑर्डर दे दो आप किसी कंपनी को जो बैटरी बनाती है और बैटरी लगाओ और गाड़ी बना के चला दो। इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ यही होता है कि उसमें ज्यादा इंजन में कुछ होता नहीं, वो बैटरी चलती है, और बैटरी तो किसी से परचेस कर लो, जो भी कंपनी में जो होंडा खरीदेगा जो टोयोटा लेगा वो आप भी उसी कंपनी से ले लो ऑर्डर दे दो, आप डिजाइन अच्छा बना दो, तो जो एडवांटेज इन दूसरी कंपनीज को वो नहीं रह जाएगा। तो ये कंपनियां हो सकता है अगले 10 साल बाद कोलैप्स हो जाए, क्यों? क्योंकि इनके पास जो लोन है, उधारी है, नेटवर्क है, उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे इस बदलते हुए दौर में। जो अपने इस दौर के बदलते हुए दौर के अंदर पेट्रोल डीजल से जो स्विचिंग हो रही है इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर, उसको अडॉप्टेबिलिटी अच्छी कर लेगा तब तो सर्वाइव कर जाएगा, जो कि बहुत मुश्किल है उन कंपनीज के लिए, क्योंकि उनका अपना नेटवर्क है, अपना सेटअप है, अपनी चीज़ है। नए आदमी के लिए बहुत आसान होता है, बीएसएनएल एयरटेल वोडाफोन सब थे 2G पे काम कर रहे थे, अचानक से अंबानी जी आए 4G लिया है जियो को, और इन बाकी लोगों को अपने में ट्रांसफर करने में बहुत दिक्कत आई, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 2G 3G पे पैसा इन्वेस्ट कर चुके थे, अब 4G में फिर से पैसा इन्वेस्ट करना, वहां से पैसा मिला नहीं है उनको, उससे रिटर्न्स आए नहीं है, अगला पैसा और डालना पड़ रहा है, और नहीं डालोगे तो जियो तो वैसे ही आपको मार देने की स्थिति में आ चुका है। सिर्फ एयरटेल किसी तरह सर्वाइव कर पाया, किसी तरह से, अगर एयरटेल बहुत बड़ा ना होता और ढंग से ना काम करता तो शायद एयरटेल भी खत्म हो जाता भाई, खत्म हो गया ना, एयरसेल खत्म हो गया, वोडाफोन खत्म हो गया, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत है, तो यहां पर चेंजेस बहुत आसानी से हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन फ्यूल है, ठीक है, तो ये आपका समझ गया आपको। चलिए, विच स्टेट हैज इनॉग्रेट राजीव गांधी, इधर हो चुका पहले पढ़ लिया था मैं, दोबारा गया, स्टेट द नेम्स ऑफ द 3.5 किलोमीटर लॉन्ग फ्रेट ट्रेन विच वॉज रिसेंटली टेस्टेड, 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी कहां पर है, किस नाम से जानी जाती है, सुपर वासुकी, सुपर वासुकी 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है जिसमें कई मल्टीपल इंजन लगाए गए होंगे, उसका नाम है वासुकी जो है वो
मैथोलॉजिकल हमारा नाग है, ठीक है वासुकी जी, ठीक है उसके पर है। पांच इंजन लगेंगे इसके अंदर, क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट, क्यों है, क्यों खबर इतनी इंपॉर्टेंट है ये, क्या ये हमारे जीवन में या हमारे देश के उसमें प्रभाव डालेगा? बिल्कुल, सड़क का इस्तेमाल जब करोगे तो वेयर एंड टेयर होगा सड़क पे, और डीजल पेट्रोल गाड़ी होगी, ट्रैफिक जाम होगा, बहुत कुछ होता है, ठीक है। लेकिन जब आप रेलवे का इंतजाम करोगे तो 3.5 किलोमीटर तो जल्दी पहुंचेगा, ठीक है, ज्यादा सामान ले ढो के लेकर आएगा, ठीक है। और अब तो डेडिकेटेड फ्रेट लाइन बना दी गई, माने कि आम पब्लिक के लिए उनके लिए अलग लाइन है, मेन चीज समझो कि ज्यादा सामान, क्योंकि अब रेलवे भी अपने आप, क्योंकि रेलवे को देखो, रेलवे से समस्या क्या है, रेलवे जो है अपना कॉस्ट एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ा सकती, यानी कि वो यात्री किरायों में एक हद से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं कर सकती। आप एक हद से ज्यादा बढ़ोतरी करोगे तो लोग बस से जाएंगे या जहाज से जाएंगे, जो गरीब रह जाएंगे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो बस से चले जाएंगे, और जो अफोर्ड कर पाएंगे वो जहाज से चले जाएंगे, तो ट्रेन वालों को ट्रेन को नुकसान हो जाएगा, उसके यात्री मर जाएंगे, तो फिर ठीक है। तो अब रास्ता निकालना पैसा कमाने का, तो रास्ता कैसे निकाला गया है, इससे कमाने के लिए कि हम माल भाड़ा गाड़ी को अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन इस तरह का करेंगे तो हमें रेवेन्यू जनरेट होगा, वो हम अच्छे ट्रैक लगाने में, अच्छे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में लगाएंगे। अब बस ये है कि अब अडानी जी को ना बिक जाए, बाकी तो सब सही है। चलो ठीक है, अभी टेस्टिंग हो रही है, टेस्ट होगा कोरबा में, छत्तीसगढ़ से ये नागपुर तक, राजेंद्र गांव तक गया है, ठीक है। अगर ये तो सुपर वास्तु पूछ लेंगे, या पूछ लेंगे आपको कहां से कहां तक गया, लगभग 27,000 टन कोयला लेकर छत्तीसगढ़ की कोरबा से नागपुर के राजेंद्र गांव तक गए हैं ये, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्लान टू कोलैबोरेट विद व्हिच स्टेट टू डेवलप अ डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस पोर्टल। गुड गवर्नेंस पोर्टल जो है वो बनाया जा रहा है, किसके साथ, राज्य सरकार, किस राज्य सरकार के साथ है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के साथ डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस पोर्टल बना दिया गया है, और ये अरुणाचल प्रदेश ने काम किया हुआ है, ठीक है। सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, द पोर्टल एम टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑन ए मंथली बेसिस एंड हेल्प इन बेंचमार्किंग परफॉर्मेंस। जैसे आपका टेस्ट होता है पॉलिटी का, पहला टेस्ट होगा कितने नंबर आए, 10 में से 5, तो ये बेंचमार्क है, कम आ रहे हैं आपके बेंचमार्क कितने, अगर 8 क्वेश्चन का है आपके 5 आ रहे हैं तो सुधार करो, कहां से करेंगे, तो इस तरह से गवर्नेंस का सुधार करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। कुछ क्राइटेरिया बनाए गए होंगे, पर डे ऐसा काम होगा, पर मंथ ऐसा काम होगा, इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, इतनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाएगा, तो वो क्या ऑफिसर्स उस चीज को कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उसको देखेगा ये आंसर होता है, ठीक है। व्हाट इज द गरबा विच वाज नॉमिनेटेड बाय द इंडियन टू बी इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट। हाँ, तो ये अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में यूनेस्को की गरबा को डाला गया, जो कि एक है गुजरातियों का डांस फॉर्म, ठीक है। इंडिया अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन द ट्रांसनेशनल एजुकेशन विद विच कंट्री। एक ट्रांसनेशनल एजुकेशन बनाया है एक कंट्री के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर बनाया जा रहा है, आपका मिल गया, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनके साथ, ये आप देख रहे हैं जो मिनिस्टर हमारे, ठीक है। तो ये बैठ के धर्मेंद्र प्रधान जी ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के काउंटर पार्ट जेसन क्लार के साथ मिलकर एक वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रांसनेशनल एजुकेशन के ऊपर बनाया जा रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये मतलब दो देशों के बीच में ट्रांस इंडिया और वहां जैसे इंटर स्टेट बोलते हैं तो ट्रांसनेशनल, ठीक है। Which state has announced the setup of online monitoring system of medicines in a government-run medical institute? सरकारी institution के अंदर जो दवाइयाँ distribute हो रही हैं, उसको monitor करने के लिए एक online monitoring system बनाया गया है। कहाँ, किसने बनाया भाई है? हाँ, ये बनाया केरल ने। केरल ने बनाया है कि भाई घपला ना हो जाए, क्योंकि सरकारी दवाइयाँ होती हैं subsidized। क्या मतलब है सब्सिडी का मतलब? सब्सिडी का मतलब क्या होता है? और समझाओ अच्छी तरीके से। नहीं,
समझो इस बात को, ये इकोनॉमिक्स है, समझो इस बात को। सब्सिडीज है इकोनॉमिकल टर्म, इकोनॉमिक्स का टर्म है। सब्सिडी का मतलब है कि हेल्प करना, पहले समझो कि हेल्प करना क्या मतलब। मान लो कि दवाई, एक कंपनी ने दवाई बनाई और उस दवाई को मार्केट में बेच रही है 100 रुपए के अंदर, लेकिन सरकार को लगता है कि यार हमारे देश के लोग जो है वो इतना ज्यादा नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, 100 रुपए की दवाई नहीं ले सकते, लेकिन दवाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कोरोना की वैक्सीन देख लो, अब कोरोना की वैक्सीन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या किया जाए, तो सरकार बोले कि ठीक है यार एक काम करते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि कुछ पैसा हम दे देते हैं, कुछ पैसा पब्लिक अफोर्ड कर लेगी। तो 50 रुपए पब्लिक दे सकती है, 50 रुपए पब्लिक दे देगी और 50 रुपए हमारी तरफ से रहेगा। तो जो हम दे रहे हैं, यानी कि सरकार जो दे रही है वो सब्सिडी दे रही है, हेल्प कर रही है। तो 50 रुपए पब्लिक से ले लिए, 50 रुपए सरकार से ले लिए, कंपनी को नुकसान नहीं हुआ, कंपनी को उतना ही जा रहा है। तो अभी आप देखो कोरोना की वैक्सीन में कहीं कहीं फ्री में वैक्सीन लग रही थी और कहीं के पैसे में लग रही थी। तो जो लोग अफोर्ड कर पा रहे थे वो पैसा देकर लगा रहे थे, और जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे वो लोगों ने फ्री में लगवाई है। आपने किससे लगवाई है फ्री की पैसा देके? पहला वाला पैसा देकर लगवाया, दूसरा वाला आपने फ्री पैसा दिया? हमने फ्री में दिया फ्री में लगी थी, सरकारी वाले में लगवाते तो फ्री में लग जाती है आप लोगों को, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फ्री का मतलब नहीं है, मतलब सरकार की सुविधा आई है। कुछ लोग क्या आता है, कुछ लोग बस ये थोड़ा सा से कोई बात नहीं भाई, अगर राशन वो ले रहे हैं तो कोई बुरा चीज नहीं है। अगर आप राशन का इस्तेमाल कर रहे हैं सरकार के द्वारा, कोई मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, मैं फ्री भी इसके खिलाफ नहीं हूँ मैं अगर ठीक है ये भाई सुविधा है ना यार, क्या दिक्कत है। मैं गवर्नमेंट से हॉस्पिटल लगाई थी ना, डर लगता है आपको, चलिए देखिए आपके आप ऐसे लोगों के लिए होती है कि एक पैसा दीजिए और प्राइवेट में, मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल डर लगता है, मुझे प्राइवेट यमदूत का दूसरा नाम होता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वो के सभी वो मारेगा भी, वो परिवार को भी खत्म करेगा, ठीक है। और जब जिम्मेदारी लेने की बारी आएगी जिम्मेदारी भी नहीं लेगा, जब केस खराब कर देगा तो बोलेगा भैया ले जाइए यहां से सरकारी हॉस्पिटल ले जाइए। बस मैं बड़ी इच्छा है देश में ऐसी सरकार आए जो एजुकेशन और हेल्थ इसको अपने कंट्रोल में रख ले, और ये प्राइवेट जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स हैं ये खत्म कर दे। और बताओ जिस दिन ऐसा हो गया मैं इंडिया की बात करूँ, अगर इंडिया बोलूँगा तो आप बोलोगे कि यार आप सर आप पार्टी को सपोर्ट करते हो, मैं दूसरे देश की बात करता हूँ, जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने अपने एजुकेशन और हेल्थ को अपने हाथों में रखा है। क्यूबा देख लो, क्यूबा काम सुना है? क्यूबा कम्युनिस्ट कंट्री है, जिंदगी भर अमेरिका से लड़ाई लड़ती है, अमेरिका का खतरा हमेशा बना रहता है, अमेरिका से खून पिया रहता है उसका, उसके बगल में है, लेकिन उसके बगल में होने के बावजूद क्यूबा एक छोटा सा कंट्री जो है उसने अपना हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा कर रखा है कि अमेरिका के लोग जो अमेरिका में इलाज नहीं करा पाते हैं ऑपरेशन, वो क्यूबा जाते हैं इलाज कराने के लिए, सस्ता पड़ जाता है उनको। अमेरिका सुपर पावर, ठीक है, अपने लोगों को फ्री में इलाज, क्योंकि कैपिटलिस्ट कंट्री है, पूंजीवादी कंट्री है, ठीक है। किडनी के ट्रांसफर कराना होगा, लाओ भाई 5 करोड़ लाओ, अरे 5 करोड़ कहाँ है, वो इंश्योरेंस भी डालते हैं, और इंश्योरेंस वालों की हालत क्या है यार, कि कब वो धोखा दे जाए पता नहीं लगता है, आपकी किडनी खराब हुई पता लग रहा है कि किडनी चेंज कराने जा रहे हो। हाँ, इसे कहते हैं मेडिकल टूरिज्म। इंडिया अब इस पर काम कर रही है, क्यों, उनको रिलेटिवली सस्ता पड़ जाता है, हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल अमेरिका के प्राइवेट हॉस्पिटल से सस्ते हैं तो उनको आसान पड़ जाता है। मैं कह रहा हूँ कि मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो मैं इंडियन हूँ, कि मैं कह रहा हूँ ये प्राइवेट हॉस्पिटल अगर ना रहे और सब सरकार ही संभाल ले और एफिशिएंट तरीके से संभाल ले, जो कि इम्पॉसिबल नहीं है, दुनिया के कई देशों ने किया है। यार देखो सुपर पावर बनते ही नहीं बनते, क्योंकि एक आम इंसान का सबसे ज्यादा खर्चा जो होता है वो मेडिकल पे और एजुकेशन के ऊपर होता है। पॉलिटिक्स है, देखो वो पॉलिटिक्स है, अब इससे ये तो आपको झेलना पड़ेगा, ये तो आपको ये प्योर पॉलिटिक्स है, इसको आप अदरवाइज मत लो। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोजेक्ट अच्छा, ऐसे तो कई काम ऐसे जो मोदी जी ने बहुत अच्छे किए हैं तो अब उनको क्रिटिसाइज करना सही नहीं है, या कांग्रेस ने बहुत अच्छे किए हैं तो जो लोग करते हैं वो पॉलिटिक्स करते हैं, उनका काम है पॉलिटिक्स करना, वो लोग कर रहे हैं उनका काम भी है। देखो राजनीति में सत्ता ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और सब चाहते हैं सत्ता पे आ जाए, तो वो लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग तो भाई पॉलिटिशियन नहीं है, तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ भाई जो काम अच्छा है तो काम है। जैसे कि अभी अरविंद केजरीवाल आप पार्टी का जो यूएसपी ही यही है ना, यूएसपी यही है उसकी, कि मैंने हॉस्पिटल और स्कूल अच्छे कर दिए, स्कूल अच्छे कर दिए, मतलब हॉस्पिटल मोहल्ला क्लिनिक हो गया, ठीक है ना, वो यूएसपी है उसकी।
जब तो चल रहा है अच्छी बात है, मैं तो सब इस बात को एक सपोर्ट करता हूँ, बाकी मैं उसको सपोर्ट करूँ ना करूँ ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, लेकिन ओपन मंच में तो मैं बोल सकता हूँ ना कि यार ये चीज़ अच्छी, क्योंकि मुझे पता है कि जब घर में 5 लोग हों छोटी मोटी बीमारी का भी खर्चा 3-4 हज़ार रुपये आ जाता है। स्कूल प्राइवेट स्कूल्स की हालत क्या है, पैसा ज्यादा ले रहे हैं बट उतनी क्वालिटी डिलीवर नहीं कर रहे हैं। और छोड़िए छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल, मैं कहता हूँ सिटीज के अंदर प्राइवेट स्कूल जो होते हैं ना उनकी हालत ऐसी है कि बच्चों को ना अंग्रेजी पढ़नी आ रही है ना हिंदी पढ़नी आ रही है, बिना ट्यूशन के वो 5वां 10वां नहीं पास कर पा रहा है। वो जब ट्यूशन पढ़ के ही पास करना है तो भाई स्कूल में इतना पैसा क्यों दे रहे हैं। मेरे मामा ने अपनी बेटी का एडमिशन बहुत अच्छी करवाया लखनऊ के बड़े फेमस स्कूल में, नाम नहीं लूंगा, लेकिन परेशान है कि ट्यूशन लगवा दे। मैंने कहा मामा जी ये बताओ, आप हर महीने 5,000 रुपये दे रहे हो, 100 का 5,000 रुपये थे, उसके बावजूद भी आपको 1500 रुपये की ट्यूशन लगवानी पड़ रही है, तो स्कूल हटा दो यार। मैं कहता हूँ उसको प्राइवेट पढ़ा लो, 1500 रुपये 2,000 रुपये का ट्यूटर लगा लो, 5,000 रुपये की सेविंग आपकी हो जाएगी और बच्चा भी ढंग का पढ़ाई कर ले जाएगा। मामा कहते हैं यार ऐसा नहीं होता। मैंने कहा ठीक है। लेकिन मैंने बोला स्कूल में सरकारी में डलवा दो, जब तो ट्यूशन ही पढ़ के पास होना है, जब ट्यूशन ही पढ़ के पास हो। यार एक चीज बताओ यार, सिर्फ अंग्रेजी बोल लेना कोई इंटेलिजेंसी की निशानी है क्या यार? जो लोग ये सोचते हैं ना ये सबसे बड़े स्टूपिड होते हैं। प्राइवेट स्कूल्स सिर्फ इस बात पे फोकस करते हैं कि बच्चा अंग्रेजी बोल ले किसी तरह से, वो भी टूटी फूटी, यू मैन कम हेयर गो देयर, बस यही ना। अगर बोल लिया कि एक पन्ने का ऐसे लिख दो अंग्रेजी में तो वो भी लिखने की बस की बात नहीं होगी, बोल दोगी बस 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 बस, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था मैं, ठीक है ना। और मैं एक की बात नहीं कर रहा, मैं भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ा हूँ यार, मैं भी कोई अलग नहीं हूँ। मेरी पढ़ाई जो आधी सरकारी स्कूल में हुई आधी प्राइवेट स्कूल में हुई है, तो मुझे लगा कि यार, और मुझे जितना मजा सरकारी स्कूल में पढ़ने में आया सेंट्रल स्कूल में था, मुझे उससे ज़्यादा मजा किसी में नहीं आया। और सही तरीके से पढ़ाया, अब देखो NCERT की बुक्स पढ़ते ना UPSC के लिए PCS के लिए, तो अगर पढ़ाई इतनी ख़राब है तो आप क्यों IAS की पढ़ाई के लिए, आप क्यों नहीं क्यों ICSE बोर्ड की किताबें पढ़ लेते हो, आप क्यों नहीं दूसरे स्कूल की पढ़ते हो, आप पढ़ते हो NCERT के लिए, क्योंकि वो मिशनरी स्कूल, हाँ बिल्कुल है ना। चलिए तो इंडिया फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी टू बी एस्टेब्लिश्ड इन विच UT स्टेट, भारत की पहली वाणिज्य के अंतरिक्ष वाणिज्य की जागरूकता वेबशाला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित है? उत्तराखंड में हो गया है, कहां पे हो गया है? गढ़वाल की जगह है, वहां पर दिगंतरा में बनाया गया है ये स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, ये स्पेस के देखिए ठीक है। स्टार्टअप है कि दिगंतरा, स्टार्टअप है दिगंतरा, उसने डाला ये ठीक है, ऑब्जर्वेटरी है स्पेस को देखने के लिए क्या क्या हो रहा है इसके अंदर ठीक है। इंडिया रिसेंटली इनॉग्रेटेड अ न्यू इंडियन एम्बेसी, एक नया एम्बेसी बनाया भाई इंडिया ने किसी नए देश के अंदर, अभी तक वो एम्बेसी थी नहीं, कहां पर है? पैराग्वे जो है वो साउथ अमेरिका में है ठीक है, ये अर्जेंटीना और ब्राजील के बगल में पैराग्वे, यहाँ पर उन्होंने पहला एम्बेसी बनाई है ठीक है। यहाँ पर मतलब कि अब डिप्लोमेट्स वहाँ पर रहेंगे, ऑफिसर्स वहाँ रहेंगे, किसी को पैराग्वे जाना हो तो कर लेंगे, जाना हो तो चले जाना पैराग्वे। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डिस्ट्रीब्यूटेड सीड टू फार्मर्स वाया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहाँ से नाम सुना है आपने? नाम कहाँ सुना है? क्रिप्टो करेंसी में होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या चीज है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ठीक है, ये ब्लॉक्स हैं, ये चेन है, ये ब्लॉक है, ये चेन है। ये ब्लॉक करता क्या है? ब्लॉक के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसकी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, और ये सब कुछ आपके सर्वर पे नहीं होता, सभी जितने भी कंप्यूटर्स होंगे दुनिया भर के उस पे जाकर ये स्टोर हो जाएगा। अगर मान लो किसी को ये आंकड़ा चेंज करना होगा तो सभी कंप्यूटर्स में जाके चेंज करोगे तब जाके ये आंकड़ा चेंज होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अभी क्या होता है कि अभी एक ही सर्वर में सब कुछ होता है, तो अगर उस किसी ने एक सर्वर में कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज कर दी तो चेंज कर दिया तो करप्शन फैल जाता है। लेकिन मान लो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो दुनिया के सभी कंप्यूटरों के अंदर है तो उसको चेंज नहीं कर पाओगे आप, इसीलिए ये काफी अच्छा भविष्य है इसका करप्शन फ्री करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि हर ट्रांजेक्शन के ऊपर यानी कि जो बीज है वो कहां से कहां गया उसकी इन्फॉर्मेशन इस तरह से ब्लॉक्स के अंदर होगी, कहां से कहां गया पैसा, कहां से कहां गया। तो कोई अगर भविष्य में देखना चाहेगा कि कहां पे ट्रांसफर हुआ, ट्रांजेक्शन कहां हुआ, पैसा कहां गया, तो वो देख सकता है, और कोई भी इंसान इसको चेंज नहीं कर पाएगा, तो एक तरह करप्शन फ्री है। ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि क्रिप्टोकरेंसी में, क्रिप्टोकरेंसी की ताकत ही यही है कि वो
ट्रांजेक्शन्स को रखेगा तो उसे करप्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वो अलग बात है, ठीक है। तो लेकिन ब्लॉकचेन को तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी की बात ही कर रहा, लेकिन इस ब्लॉकचेन को हमने सीड्स को बेचने में हमने यूज कर लिया, और सीड्स को बेचने के बाद पहला जो देश बना, राज्य बना है वो झारखंड बना है। झारखंड, अरे क्या वो गरीब राज्य है, झारखंड इज रिच बट झारखंडी आर पुअर्स। झारखंड जो रिच है, झारखंडी पीपल पुअर है ना। अरे मैं बताऊं, मेरी बात सही बोलोगे नहीं बोल रहा हूँ, झारखंड रिच है, झारखंड के लोग गरीब हैं, मिनरल। अब उसके लिए आप ब्लेम करोगे राजनीति को, ब्लेम करोगे गवर्नेंस को, ब्लेम करोगे कैपिटलिज्म को, क्रोनी कैपिटलिज्म को। अब क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है, जब नेता और जो बिजनेसमैन और बाहुबल बाहुबली तीनों मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, और आजकल खूब चल रहा है क्रोनी कैपिटलिज्म, समझ जाना। हाँ झारखंड अच्छे तरीके से, तो इसीलिए हालत यही है। और कंपनी का नाम क्या है जिसने बेचा, सेटलमेंट, सेटलमेंट, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। जयशंकर जी हैं, इन्होंने ना महात्मा गांधी की मूर्ति को जो है वो इनॉग्रेट वो किया, अनावरण किया, किस देश में, अभी गए थे पैराग्वे, गए थे तो पैराग्वे में लगे हाथों, उन्होंने एम्बेसी खोली और साथ में उन्होंने गांधी जी की, मैं कह रहा बीजेपी वाले कितने भी गांधी जी को गालियां दें, लेकिन जब आप दुनिया में जाओगे तो गांधी जी को ही आप करोगे। ये है द पावर ऑफ गांधी। आप पॉलिटिक्स वोट पाने के लिए हिंदुस्तान के अंदर गांधी को बदनाम कर सकते हो, बट उसकी फिलॉसफी को दुनिया में, मतलब पैराग्वे में आप जा रहे हो तो वहां पर भी जाकर आप गांधी को ही आगे बढ़ा रहे हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने नेशनल हीरोज के बारे में गलत मत सोचो। व्हाट्सएप पे इधर उधर की फर्जी न्यूज, आप इनकी पॉलिसीज से जरूरी नहीं कि 100% आप फॉलो, आप उनको मान जाओ। मैं ये कभी नहीं कहता कि जो गांधी ने किया वो सब कुछ सही था, नहीं यार, लेकिन कुछ तो यही होगा ना कि पैराग्वे को क्या मतलब हमसे यार, बताओ तो। लेकिन गांधी की मूर्ति यहां क्यों लग रही है, क्यों नहीं लग रही दूसरे नेताओं की, इतने सारे नेता थे ना हमारे जो आज सो कॉल्ड बोलते हैं कि गांधी के खिलाफ खड़े कर दिए जाते हैं, नाम लेना तो अच्छा नहीं, बात नहीं होगी, लेकिन तो ये मैं कह रहा हूं कि पावर ऑफ गांधी यही है, पावर ऑफ फिलॉसफी, विचारों की ताकत। सुकरात को आज क्यों याद करते हैं, मरा हुआ तो उसको 3500 साल हो गए हैं, 3500 साल हो गए हैं, लेकिन सुकरात की पावर उसके विचार है, गांधी की ताकत उसके विचार है, ठीक है। तो कभी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से अपने जो नेता हैं उनके बारे में मत पढ़ना है तो पढ़ो, किताब पढ़ो और उनकी उन पॉलिसी को काउंटर करना समझो, सीखो। गांधी की मतलब 10 बातों से आपको आपत्ति हो सकती है, उसके लिए 10 किताबें पढ़ो और फिर उन किताबों को पढ़ के अपना असेसमेंट करो कि क्या गलती हो सकती है। तो वो मैं बिल्कुल एग्री करूंगा आपके साथ, बिल्कुल एग्री करूंगा इस बात को लेकर कि हाँ सही है। और कई चीजें ऐसी तो मुझे गांधी जी की पसंद समझ में नहीं आई, मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं उनकी इंसल्ट करूं बैठ के, ठीक है। अच्छा भाई, सेक्रेटरी बनाएंगे राष्ट्रपति मुर्मू जी के, वो सेक्रेटरी बने हैं आपके, ओडिशा के आईएएस अफसर रहे हैं राजेश वर्मा, ठीक है, ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी NIIM में नए डायरेक्टर जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं, वो उनका नाम क्या है, वो देवाशीष मोहंती नाम है, ये हुए। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है, देखिए पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, थाईलैंड के अंदर पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 हुआ, पैरा का पता ही मतलब पता ही आपका, दिव्यांग लोग होते हैं, ठीक है। थाईलैंड में कॉम्पिटिशन हुआ, इसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, कितने मेडल जीते हैं उन्होंने, इंडिया ने लगभग 17 मेडल जीते हैं, इसमें 4 गोल्ड, 5 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज हैं। तो एक तरह से पैरा, मतलब जिसके किसी हाथ में दिक्कत है, पैर में दिक्कत है, तो उनके बीच में कॉम्पिटिशन होता है। आपको पता है यूपी में IAS अफसर हैं, सुहास के, सुहास के ना उनका नाम है, वो पैरा अभी ओलंपिक हुआ था, पैरा ओलंपिक नहीं हुआ था, पैरालंपिक तो होता है, जीते गोल्ड, बैडमिंटन खेलते हैं और उनको दिक्कत पैर में दिक्कत है, वो IAS अफसर हैं, सुहास के, सुहास ही तो नाम है उनका, है ना। तो वो सिल्वर मेडल जीत के लाए थे पिछले साल, वगैरह जीत के लाए थे वो, ठीक है। अच्छा, इंडिया फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस सिचुएशनल, अभी तो देख लिया, पढ़ लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज प्लानिंग टू बिल्ड एन एजुकेशनल टाउनशिप इन द स्टेट, एजुकेशनल टाउनशिप कौन बना रहा भाई, अरे अपना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बनाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ केरल और हिमाचल प्रदेश में कुछ अच्छा होता है, हमारे देश प्रदेश में अच्छा होता है, वो है कि एजुकेशनल टाउनशिप, जब हमने बात की ना कि हेल्थ और एजुकेशन,
तो कम से कम एजुकेशन पे तो काम करने की कोशिश की जा रही है। अब ये बात है कि सरकारी प्राइवेट हाथ में ना दे दिया जाए, सरकारी को रखा जाए। और अच्छे तरीके से कह रहा हूँ सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, ये फॉर्मूला है कि आप एक बार आ जाओ उसके बाद आप इतना इतना आप काबिल हो जाओगे कि कहीं भी जा सकते हो फिर आप, ठीक है। तो ये टाउनशिप बनाई जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, मतलब एक बार आओगे उसके बाद आप इतने डेवलप होगी कहीं पर भी आप जाके आप सर्वाइव कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो आप, ठीक है। ये बढ़ा दिया विक्रम क्या है दोरा स्वामी हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ द स्टेट टू विच कंट्री। विक्रम दोराई स्वामी को किस देश का अगला उच्चायुक्त रूप में नियुक्त किया गया है, कहाँ है भैया? ये हैं आपके यूके, यूके में, ठीक है, यूके के अंदर है विक्रम दोराई स्वामी। यूएन स्टेट मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल दर्शना जरदोश has inaugurated the Silk Mark Expo in which of the following city? Silk Mark Expo, वो एक expo होता ना जो मेला जिसे कहते हैं मेला, ठीक है। तो मेला कहाँ पे हो रहा है आपका? है दिल्ली के अंदर हो रहा है। कभी expo में गए किसी expo में देखा आप लोगों ने? जाया करो, कभी अच्छी चीज़ें मिल जाती, देखने को मिल जाती हैं। हाँ वो होता है। which India has signed an MOU with which country to smoothen the movement of seafarers between the two countries? अच्छा, दो देशों के बीच में, ठीक है, नाविकों के लिए आवाजाही अच्छी रहे कि जो नाविक होते हैं वो जा सकें, उसके लिए एक एमओयू साइन किया है इंडिया ने किस कंट्री के साथ? हाँ, तो वो क्या है? ईरान के साथ। ईरान के साथ जो है कि ईरान, मुझे हमें पता है चाबहार पोर्ट वहीं पर है, तो ठीक है, तो हमारे नाविक और उनके नाविक आराम से ट्रेवल कर सकें और बिजनेस कर सकें, उसके लिए ईरान के साथ टाइप किया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी ईरान इससे भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि अफगानिस्तान तक पहुंचना है हमें, तो ईरान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान से तो ब्लॉक हो गया है, ईरान के माध्यम से हम ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि सेंट्रल एशिया जाते हैं हम लोग, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एट विच सिटी? होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर वो किया उन्होंने मोहाली में, चंडीगढ़ के अंदर। अभी मोदी जी ने एशिया में सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल किया, कहाँ पे? फरीदाबाद में अमृता हॉस्पिटल, ठीक है, अमृता हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल है, दुनिया का एशिया का सबसे बड़ा है। उसी लगी आदमी उन्होंने पंजाब में आपका माहौली है वहाँ पर ये इनोग्रेट किया हुआ है। HPCL has commenced its cow dung to compressed biogas project in the state। एक HPCL कंपनी है, तेल और गैस वाली कंपनी, उसने ना अपना एक जो गोबर से उसे गोबर, हाँ, बायोगैस बनाने का प्रोजेक्ट लगाया है। कहाँ लगाया है? हैं, उन्होंने लगाया है आपका राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर गोबर गैस लगाया। पता है गोबर गैस समहाउ इंडिया पीछे रह गया, लेकिन स्टार्टिंग उसकी हुई थी अच्छी खासी 90s में, समहाउ पीछे रह गया, थोड़ा टेक्नोलॉजी इतना नहीं कर पाया और थोड़ा सा फाइनेंस नहीं मिल पाया। चाइना इससे बहुत आगे निकल गया, गोबर गैस से बहुत अच्छा निकल गया, तो उसको एनर्जी के, लेकिन इंडिया ने थोड़ा पिक करना शुरू किया, लेकिन ढंग से, हाँ, पहले बहुत चला थोड़ा सा, फिर उसके बाद इंप्लीमेंट, ठीक है, चलिए उसे कई कारण हो सकते हैं, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज जो ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि गोबर गैस में कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, हाँ हाँ पढ़ाता है, ठीक है, आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है भाई, ठीक है, हमने इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ है गैस का, ठीक है। तो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड 30.7, हाइड्रोजन सल्फाइड 21.1, कार्बन मोनोऑक्साइड 9.9 और मीथेन और वाटर कार्बन 52। तो मीथेन होने के कारण ज्वलनशील हो जाता था ये, तो 50% मीथेन है इसके अंदर। तो ये चार पांच चीज़ याद रखिएगा कि क्या क्या होता है, पूछ लेते हैं, गोबर गैस में कौन सा गैस होगा, सीएनजी में कौन सा गैस है, यही तो आता है ना कुछ पिछली बार भी, एलपीजी में कौन सा गैस है ज़्यादा, मीथेन बुटेन प्रोपेन, याद रखिएगा इससे जुड़ा हुआ। इस सवाल का मतलब है कि सभी सवाल वाले जितने भी हैं, अनंतताल लेक विच वॉज डिक्लेयर्ड एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, अनंतताल लेक जो है वो कहां पर है? तो अनंतताल लेक जो है वो हमने कहां की है, नई साउथ दिल्ली में हुई, अनंतताल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, अनंतताल लेक जो है वो साउथ दिल्ली में एक जो है वो मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस रखी गई है, मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जिसको नोटिफाई किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, वहां पे होगा, वहां पे उसका जो एनवायरमेंट ऐसा होगा, नेशनल इंपॉर्टेंस होगा, कल्चर वाले वहां पे पुराना इतिहास रहा होगा,
ठीक है, अनंत काल लेके तो पुराना कल्चर रहा होगा, वहां पे कुछ जुड़ा हुआ कुछ रहा होगा हिस्टोरिकल। ट्रॉपिकल साइक्लोन आया मा वन मा ऑन ट्रॉपिकल वो किस कंट्री में आया है? ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब क्या होता है? ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है? ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, क्या मतलब होता है? अरे ट्रॉपिकल टेम्परेट क्या होता है? ट्रॉपिकल ये क्या मतलब होता है? बताओ, एवरग्रीन हो गया होता है। ट्रॉपिकल का मतलब ट्रॉपिकल जोन कौन सा होता है? ऊपर आता कहाँ छत पे? हाँ ये बेवकूफ वाले जवाब मत दो, टेक्निकल जवाब दो ना। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक ये जो एरिया होता है वो ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। ये बोलो ना ऊपर रहता है नीचे रहता है, ये क्या मतलब हो गया यार? ठीक है, तो वो ट्रॉपिकल जोन जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ यानी ग्लोब के अंदर जो होता है उस इलाके को हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इसमें दो बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है, गर्मी और मॉइस्चर यानी कि पानी। ठीक है, इस कारण से यहाँ बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, ठीक है, लाइफ ज्यादा है। ठीक है, तो वहां उसी क्षेत्र में एक नया एक साइक्लोन आया है मावन। ये किस देश में आया हुआ है? वो आया फिलीपींस में आया है। और ये साइक्लोन जितने आएंगे अलग बगल इंडिया के हिसाब से मैच द फॉलोइंग में बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो साल भर में जो भी साइक्लोन्स आए ट्रॉपिकल टेम्परेट फलाना ढिमकाना जितने भी हैं और कहाँ आया क्या किया सबको पढ़ना, साइक्लोन के ऊपर सवाल आते हैं। और मेंस के ऊपर साइक्लोन बनता कैसे ये आता है, साइक्लोन बनता कैसे एयर प्रेशर की वजह से। दो तरह के ट्रॉपिकल साइक्लोन अलग बनते हैं, टेम्परेट साइक्लोन अलग बनते हैं। 2020 में टेम्परेट साइक्लोन कैसे बनता है उस पे सवाल आ गया मेंस के ऊपर 8 नंबर का। ठीक है, ये पढ़ेंगे मेंस में। व्हिच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर द इंडिया एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF में इंडिया का एक इकोनॉमिस्ट है, उनको अपॉइंट किया गया है। उनका नाम क्या है? के सुब्रमण्यम है, उनको अपॉइंट किया है IMF में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर। ठीक है, और ये शायद दूसरे हैं, सुरजीत भल्ला जो है उनका खत्म हो गया तो आया है। विच इंडियन स्टेट यूटी लॉन्च द परिवार कल्याण कार्ड स्कीम, परिवार कल्याण कार्ड स्कीम जो है किस राज्य ने की है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश ने किया है परिवार कल्याण। तो उत्तर प्रदेश के संबंधित दो क्वेश्चन आ गए, एक एजुकेशन टाउनशिप वन एंट्री मल्टीपल एग्जिट और दूसरा आपका परिवार कल्याण कार्ड। ठीक है, जो गवर्नमेंट फैमिली आईडी प्लान हो गया है। और इसी तरह से आपका एक हफ्ते का करंट अफेयर्स खत्म हुआ। आप पढ़ लीजिएगा, एहसान कीजिएगा अपने ऊपर। धन्यवाद।